डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब से हम जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अफवाहें गर्म हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बता दीजिए, क्या आप अबू धाबी में किसी कस्टडी में हैं? आप गिरफ्तार हो चुके हैं? Yeah, that is such a stupid and ridiculous thing. On 25th of October, many British Airways की direct flight थी, right? और छुट्टी ली भी थी कई दिन पहले चैनल से, जू से, I think. डॉक्टर साहब, आपका विलाग आया जब आप यूके पहुंचे, तो उसके बाद आज इमरान खान साहब ने कह दिया कि आप मुल्क छोड़कर चले गए हैं, हालांकि हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपने छुट्टी ली और रूटीन के मुताबिक आप यूके गए। तो ये बात कैसे फैली कि आप बददिल होकर अरशद शरीफ साहब की तरह या साबिर शाकिर साहब की तरह मुल्क छोड़ गए हैं? देखिए, स्ट्रेस तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन ज़रा मैं तो छुट्टी पहले ली हुई थी, 15-20 दिन पहले से इन राइटिंग छुट्टी ली हुई थी। सबको बताया हुआ था, मेरी टीम को भी पता था इन राइटिंग छुट्टी ली मैंने, मैं यहाँ से किया 25th को। जब मैंने वीलॉग किया तो वीलॉग के शुरू में मैंने ये कहा, क्योंकि लोग मुसलसल मुझे टेक्स्ट लोगों ने करने शुरू कर दिए, क्योंकि क्लाइमेट क्लियर है इस वक्त पाकिस्तान में अरशद शरीफ शहीद की मर्डर के बाद, तो बेतहाशा लोगों ने मुझे टेक्स्ट करने शुरू कर दिए, ट्वीट करने शुरू कर दिए कि डॉक्टर मोहित कहाँ हैं, खैरियत से हैं, किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। तो जब मैंने अपने वीलॉग का आगाज किया तो मैंने उसके शुरू में कहा कि चूंकि मैं मुख्तलिफ मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं इस वक्त यूके के अंदर हूँ, और रात में मैंने कह दिया मैं कीनिया में नहीं हूँ, मैं ग्रेटर लीगल जुरिस्डिक्शन में, और मैं मुसलसल चूंकि शहर चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज मैं लंदन पहले आया, लंदन से रास्ते आया, फिर दोबारा लंदन आया, फिर और शहरों में गया, मेरी फैमिली था थी, मेरे फादर लॉ का 40वां था, मैं पहले नहीं आया था, मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट रिन्यूअल में था। जब आपका ब्रिटिश पासपोर्ट रिन्यूअल में होता है तो ना आपको इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलता है, ना आप वीजा पे ब्रिटेन ट्रैवल कर सकते हैं, ब्रिटिश सिटीजन को अपने ही पासपोर्ट पे ट्रैवल करना होगा। तो जब मुझे पासपोर्ट मिला तो मैंने 92 से बताया छुट्टी ली, मैंने बताया कि मेरे फैमिली में मुझे ट्रैवल करना है, कंडीशन शुरू कर, मैंने कंडीशन को रेस्ट शुरू करने के लिए ये कहा कि चूंकि मैं मुख्तलिफ शहरों से फिर रहा हूँ तो मैं जरा वीलॉग्स नहीं कर पा रहा, बिकॉज वीलॉग्स करने हर जगह इंटरनेट मिलना, एक जगह कॉल मिलना, एक टाइम मिलना जो मुमकिन है, टाइम जोन का भी डिफरेंस है। तो मैंने वो एक्सप्लेनेशन दी, उसको फिर किसी ने उल्टा उसके ऊपर यूट्यूब पे जी लोगों के जहन में बात, मैंने कहा कुछ लोग शोगल मेला भी है, कुछ लोग सेंसेशन से प्ले करना चाहते हैं, बहुत लोगों को जेन्युइनली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और चूंकि मैं एबसेंट हो गया, मैं रोज एक वीलॉग करता हूँ, एक या दो मैंने वीलॉग नहीं किए, मैं टेलीविजन स्क्रीन पर नजर नहीं आया, तो लोगों ने उस पर एक नैरेटिव जो है वो शेप हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने अच्छा किया मुझे ले लिया। इसमें देखिए, क्लाइमेट ऑफ फियर और अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6-7 महीने से, जिस तरह से मीडिया को ट्रीट किया गया है, जिस तरह से आर्बिट्री अरेस्ट हुए हैं, लोगों को अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, डिटेन किया गया, उनके ऊपर दर्जनों दर्जनों FIR जैसे अरशद शरीफ मरहूम जो है FIR थी, सादर शाकिर साहब का FIR होना, और बहुत से लोग होना, और अरशद शरीफ साहब के मर्डर के 2-3 दिन के अंदर चौधरी गुलाम हुसैन साहब को FIA का एक फिल्म दी पॉलिटिकली इन्वेस्टिगेटेड केस में उठा लेना, एक क्लाइमेट ऑफ फियर अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है जिसमें हर किस्म की स्पेकुलेशन रूमर जो है वो जन्म ले सकती है, आप कुछ भी कह सकते हैं, और ये हुकूमत की और एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सोचें और समझें कि इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, हुकूमत को, रियासत को कितना नुकसान पहुंचा है इस वक्त। मुझे ये अच्छा, मैं चूंकि ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कितनी बड़ी कहानी बन गई है। मुझे रॉयटर्स ने भी कॉन्टैक्ट किया, मुझे BBC ने भी कॉन्टैक्ट किया, मुझे CNN ने भी कॉन्टैक्ट किया, मुझे इंडियन मीडिया ने भी कॉन्टैक्ट किया, मैंने सबको लिख के एक नोट भेजा है कि भाई मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे किसी ने डायरेक्टली सेटल नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान में जर्नलिस्ट जो है वो जनरली सेफ नहीं है, और इस क्लाइमेट को इम्प्रूव करने की जरूरत है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम सबको, फ्यूचर भी मुझे कॉन्टैक्ट किया कि हमें हुकूमत को ये समझाने की जरूरत है कि PDM की गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जुडिशरी का रोल है, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि अरशद शरीफ शहीद के लिए एक जुडिशरी कमीशन हाई पावर होगा, FIA और पुलिस के सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की इंक्वायरी बनाना तो मजाक है, कि अगर ये ऑफिसर्स अपनी थॉट में, एक्शन में इंडिपेंडेंट होते फिर अरशद शरीफ के खिलाफ 16-17 FIR सुना होती, हुकूमत ने अरशद शरीफ साहब के हवाले से तो अब 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बना दिया है, जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा साहब उसके सरबराह भी हैं, तो ये तवक्को करनी चाहिए कि वो फैक्ट्स सामने आएंगे। लेकिन DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अरशद शरीफ साहब या किसी साफी को इस मुल्क में कोई थ्रेट
सेट ऑफ लाइफ जो है वो नहीं है और अपनी अपनी वजूहात की पर लोग वो बाहर गए और अर्शी साहब खैर वापस भी आना चाहते थे, लेकिन आप तो मतलब एक रूटीन के विज़िट पर हैं और किसी थ्रेट की वजह से खुदा ना खास्ता आप मुल्क से बाहर नहीं गए। मुझे डायरेक्टली तो नहीं किया, कोई रीजन ये नहीं सोचता इसको जिंदगी के पीछे पड़ा। डॉक्टर साहब आवाज़ में कुछ खलल है, आवाज़ में कुछ खलल है, अगर थोड़ी सी आप पोजीशन अपनी चेंज कर सकें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, यही हम चाह रहे हैं कि आवाज़ सही कभी भी नहीं आ रही। जी कंपैरेटिवली बेटर है डॉक्टर साहब, जरा व्यूअर्स के लिए वजाहत कर दें आप। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी ने डायरेक्टली थ्रेटन नहीं किया, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है कि हर ट्वीट के बाद आपको कॉल आ जाए, हर ट्वीट के बाद आपको कहा जाए कि मेरा मिले आके, आपको घंटों बिठा दिया जाए और एक हैरेसमेंट की क्लाइमेट तो बहरहाल एग्जिस्ट करती है। मैं चूंकि ज्यादा कॉशियस हूँ, बहुत से और जर्नलिस्ट जो हैं वो उतने मोहतात अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, मैं तो एकेडमिक लैंग्वेज में बात करता हूँ, तो फिर उस वजह से लोगों को इतना गुस्सा नहीं आता। लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त एक क्लाइमेट ऑफ फियर है, उस क्लाइमेट ऑफ फियर को ठीक करने की जरूरत है। और जिस जुडिशियल कमीशन की तरफ से चार आर साहब ने इशारा किया, मैंने वो देखा है, लेकिन वो एक रिटायर्ड जज साहब की जस्टिस शकूर जो है उनके लिए बनाया गया, होना तो ये चाहिए था कि बहुत बड़ा वाकया हुआ है ना, उसको आप एक महीने की इंक्वायरी रिपोर्ट डाल के और पुलिस और एफआईए के ऑफिसर भेज देना वहां पे, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। इसका मतलब है कि आप सिर्फ ऑप्टिक्स जनरेट कर रहे हैं, आप सिंसियर नहीं है इन एड्रेसिंग द इशू। जब पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ बिल्कुल, उसको चाहिए कि सामने आए फ्रंटफुट पे, पूरी दुनिया के सामने कहे कि हम तो यूएन की एजेंसी ह्यूमन राइट कमीशन जो है, यूएन ह्यूमन राइट जो है कमीशन है, ये ह्यूमन राइट वॉच है दुनिया की, इंटरनेशनल मीडिया के साथ मिलकर हम एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक दूसरी लीगल ज्यूरिसडिक्शन भी इन्वॉल्व है, वहाँ एक इंक्वेस्ट होनी चाहिए। जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ हैं जो कहते हैं कि हमने गोली चलाई, अभी अल्टरनेट सीरीज उसमें आ रही है, उन सब की एक ओपन। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इस पे हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब थे पिछले दिनों, उन्होंने ये ऑफर की कि अगर जो सहाफ़ी बरादरी है या अरशद साहब के जो लवाहिकीन हैं वो ये कहते हैं कि यूएन से तहकीकात करवानी है, स्कॉटलैंड यार्ड से करवानी है, अगर कीनिया का जो लॉ ऑफ लैंड है वो इसकी परमिशन करता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम तो हर तरह की तहकीकात के लिए रेडी हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ्रेंड्स ऑफ अरशद शरीफ हैं या जो हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, हमारी तंजीमें हैं, इस पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इस तनाजुर पर कोई काम हुआ है, आपकी किसी से बात हुई है? देखिए कीनिया कॉमनवेल्थ कंट्री है, और अगर पाकिस्तान ऑफिशियली रिक्वेस्ट उनको करेगा, हम चाहते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस, यहाँ पर एक यूएन का घर, यूएन के कमीशन का यह मतलब नहीं कि पूरा यूएन वहां पे आ जाएगा, यूएन दो तीन लोगों की ड्यूटी लगाएगा, उसमें कम अज कम ये ट्रस्ट होगा कि उनको हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते होंगे। और इसी तरह से जो इंटरनेशनल मीडिया है, जैसे अल जजीरा है, रिसर्च रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर है, अपने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट वॉच है, HRW, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी यूएस है, रॉयटर्स खबर एजेंसी है, ये सब इसमें इंटरेस्टेड है। अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव दिए जाए और वो ओपन क्वेश्चनिंग हो, यहाँ लीगल इश्यूज तो नहीं है, यहाँ तो फैक्ट्स एस्टैब्लिश करना है, तो जर्नलिस्ट तो नहीं ना जाके रिक्वेस्ट कर सकते कीनिया की हुकूमत से, ये PFUJ का काम तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, फॉरन मिनिस्टर नहीं है, फॉरन सेक्रेटरी ने ऑफिशियल एक रिक्वेस्ट जो है उनसे करनी है, तो इसको सीरियसली लिया नहीं गया, मतलब इस पर सिर्फ ऑप्टिक्स हो रहे हैं। मैं बाहर पाकिस्तान के बाहर से इसको देख रहा हूँ, अगर इतना बड़ा इल्जाम लग जाए किसी रियासत के ऊपर कि वो जर्नलिस्ट को मार रही है, तो फिर तो उसको बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन देने की जरूरत है, मतलब अपने पुलिस ऑफिसर्स को भेज देना वहां पे FIA के, उनकी तो बेचारों की क्या क्रेडिबिलिटी है? अगर पुलिस ऑफिसर्स की क्रेडिबिलिटी होती तो ये FIRs बनती हैं जर्नलिस्ट के ऊपर 16-17, ये तो कभी बन ही नहीं सकती थी। क्या अमरीका में कोई हुकूमत या बरतानिया में कोई हुकूमत 16-17 FIRs बना सकती है स्पोकन या रिटर्न वर्ड पे अपने किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ? कोई प्राइम मिनिस्टर एक टांग पे भी खड़ा हो जाए तो नहीं कर सकता ऐसे। तो ये वो इश्यूज हैं जो यहाँ पे जिनकी डिबेट होनी चाहिए और इनकी डिबेट नहीं होती। दूसरी बात है, दुनिया में मॉडर्न वर्ल्ड में कोई डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है जहाँ स्पोकन वर्ड या रिटर्न वर्ड के ऊपर गिरफ्तारियां होती हों, FIRs करती हूँ, कौन सी ऐसी ज्यूरिसडिक्शन है? आप ये पूछे हैं क्वेश्चन का मजमान कायरा साहब, तो बता दें कोई ऐसी लीगल ज्यूरिसडिक्शन है क्या हिंदुस्तान में स्पोकन या रिटर्न वर्ड के ऊपर केस बन सकता है? क्या बरतानिया में बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमरीका में, कैनेडा के अंदर कहीं बन सकता है? टर्की में भी शायद बनता हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब।